से पूछा है। जैसा कि सभी लोग बोलते हैं, दीवार के उस पार और दीवार के इस पार में बहुत अंतर है। लकड़ी के ऊपर में क्राफ्ट करके हुए कुछ डिजाइन है। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। जय श्री प्रजलॉर्ड। मैं हूँ अलमोस्ट, आप देख रहे हैं अलमोस्ट कलको ब्लॉग्स। आज है 11 नवंबर 2023 और आज के इस ब्लॉग में मैं और प्रीति हम लोग जा रहे हैं भूटान। टाइम हो गया है 6:30 और हमारी फ़्लाइट है ठीक 8:55 पे पीथमपुर से। एयरपोर्ट जाने में लगेगा लगभग 40 से 45 मिनट। ये है जैसन, ये जस्टिन, डेविड। जय जोहार। जय जोहार। मुझे भी इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। ये पहुंच गए एयरपोर्ट और बस कुछ ही देर में, ज़्यादा नहीं, बस 1.5 घंटे में हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे। प्रस्थान यहाँ पर है। अभी टाइम हो रहा है हमारा 7:25 के आसपास और हमारी जो फ्लाइट है वो 8:55 है, तो अभी 1.5 घंटा है। कल डेविड को यहाँ से जाना पड़ेगा। अलविदा नहीं, आएंगे, वापस आएंगे, रोने का नहीं। अभी हम लोग पहुँचे हैं दिल्ली एयरपोर्ट और लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। एट नाइट वी विल बी टेकिंग अवर नेक्स्ट फ्लाइट इन द मॉर्निंग एट अराउंड 8 AM। हम लोग आ गए हैं वापस डिपार्चर सेक्शन में, टर्मिनल 3। This was our flight. UK 725. Bye bye. वो हमारा लगेज देखो रखा है। हम लोग बागडोगरा से अभी बाहर आ रहे हैं। लोकल के लिए? नहीं, लोकल नहीं। अरे हमारा टैक्सी बुक है यार, देख रहे हैं उसी को। क्या नाम? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन किधर है? अलाउद्दीन वो रहा, अलाउद्दीन येलो टी शर्ट पहने हुए। गाड़ी किधर है? गाड़ी यहीं पे सामने है। ठीक है, चलिए। बागडोरा से निकलने के बाद सिलीगुड़ी होते हुए अभी हम जलपाईगुड़ी की तरफ जा रहे हैं और जलपाईगुड़ी से होते हुए जयगांव जाएंगे। तो जयगांव इज़ अ बॉर्डर एरिया ऑफ इंडिया एंड भूटान। भूटान के साइड में उसी पर्टिकुलर सिटी को फिनसुलिंग बोलते हैं और इंडिया साइड को उसको जयगांव बोलते हैं। इस पूरे सफ़र में हमारे साथ में
अलाउद्दीन अहमद रहमान अलाउद्दीन रहमान है हमारे साथ में। तो हमें वो यहाँ से जयगांव तक पूरा पहुँचाएँगे और रास्ते में अगर कुछ अच्छी बातें होती हैं तो ज़रूर बताएंगे, क्यों? एकदम। पीछे सीट में प्रीति है, थोड़ा रेस्ट कर रही है, ज़रूरत पड़ेगा तो कैमरा वहाँ भी पहुँच जाएगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ गर्मी थोड़ी कम लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, गर्मी काफ़ी है। तुरंत ट्राई होता है। आज है दिवाली, मेन दिवाली है, 12 तारीख नवंबर, संडे भी है। लगभग 2:30 बजे के आसपास तक हम जयगांव पहुंच जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नई बिल्डिंग बन रही है अभी, कोलकाता हाई कोर्ट का ये एक ब्रांच है। भूटान के अगर हम उंगलियों में 5 पॉइंट अगर अच्छे गिने, हाँ, उनकी अच्छाई के बारे में जी, तो 5 चीज़ें क्या क्या, मतलब सबसे टॉप आप बोलो? सबसे टॉप में है लॉयल्टी, पीसफुल कंट्री, नेचर, ट्रांसपोर्टेशन और गाड़ी वगैरह सर एकदम सेफली ड्राइव करता है वहाँ पे। अच्छा, तो आप वहाँ पे अकेलापन कभी महसूस ही नहीं करोगे। उनका जो किंग है, हाँ, वो किंग को मतलब अपना भगवान मानते हैं एकदम। फाइनली अभी हम लोग हासी मारा से लगभग 11-12 किलोमीटर पहले, ये कोई परी ढाबा है, देखने में थोड़ा सीनिक लग रहा है। ये 3 के शेड हैं, एम्बियंस अच्छा है। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग रुके हैं थोड़ा बहुत लंच करने के लिए, दिवाली होने की वजह से बहुत जगह पे आज के दिन में ढाबे बंद हैं। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर रोड के दोनों तरफ मेरे पीछे भी आपको थोड़े से कुछ पौधे दिख रहे होंगे, और अपोजिट साइड में भी दोनों तरफ रोड के लंबे लंबे ये सुपारी के पौधे हैं, पेड़ हैं, खजूर की तरह दिखते हैं और पत्ते भी लगभग लगभग कुछ तरह उनकी जैसे रहते हैं, और इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं सुपारी के। चिकन लॉलीपॉप, तो लंच हो गया भाई लोग, फैमिली रेस्टोरेंट परी ढाबा। ये नाका अच्छा दिख रहा है बाहर से, हाईवे यहाँ से जाएगा। इतनी भी यहाँ पे लाल नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं बीपी के नाम से, जो कोड है तो वो सब भूटानीज गाड़ी हैं, भूटनीज गाड़ी हैं। हम हाशिमारा पीछे की तरफ छोड़ चुके हैं, हाशिमारा क्रॉस कर लिया है, और यहाँ से जयगांव तकरीबन 18 किलोमीटर है। रोड के दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, चाय की पूरी बगान है। बीच बीच में पेड़ हैं, जितने भी आप पेड़ देख रहे हैं उनके नीचे पूरा, जितना दूर तक आप देखेंगे उतने दूर तक आपको सिर्फ चाय के बगान ही नज़र आएंगे। पैदल जाने का रास्ता कहीं अलग से है, और गाड़ी की एंट्री जहां आपको अभी जस्ट मैंने दिखाया वहां से गाड़ी की एंट्री होती है। फिलहाल अभी हम लोग पैदल एंट्री की तरफ जा रहे हैं। ये लॉकडाउन के बाद कुछ दीवार बनाई गई थी। भूटान है? हाँ, दीवार के उस पार भूटान है। जाने वाला साइड, ये गलियां आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान का भाग है। अभी कुछ देर के बाद में गलियां देखेंगे, वो भूटान का पार्ट रहेगा। सो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है एंट्री गेट, यहाँ से पैदल जा सकते हैं हम लोग अंदर।
₹60 वापस हुए इंटरेस्टिंगली, उसमें भी आधा भूटानीज और आधी इंडियन करेंसी मिली है मुझे। पेटीएम इज अवेलेबल लेकिन भूटानीज। जनरल एंट्री, हम लोग पहली बार भूटान जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम के लिए एंट्री यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो कि हमें कराना पड़ेगा ऑब्वियसली, और कल जब इमिग्रेशन कराएंगे तो वो एक अलग प्रोसेस होगा, बट इफ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम देन डेफिनेटली यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड। तो इमिग्रेशन अलग है? इमिग्रेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस, सिमिलर होता है। वेलकम टू भूटान। यू आर स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड। यस, जैसा कि सभी लोग बोलते हैं, दीवार के उस पार और दीवार के इस पार में बहुत अंतर है। वहाँ पे ट्रैफिक था इसलिए हम लोग को यहाँ से दूसरा वैन लेना पड़ रहा है अपने होटल तक। चेक इन करेंगे देन इसके बाद बाकी बातें फिर आपसे बाद में करेंगे। चलिए, कुछ है अंतर? या देयर इज लॉट ऑफ क्लीनलीनेस आई कैन से एट वन ग्लांस, एंड देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन जयगांव एंड भूटान। एज यू एंटर जयगांव इट्स ऑल रग्स एंड आई डोंट नो व्हाट टू से, इट्स डिस्टॉर्टेड, एंड वंस यू एंटर भूटान इट्स ऑल सिस्टमैटिक एंड एवरीथिंग, यू कैन फील इट। सो करेंटली लाकी होटल करके एक जगह है which is very close to the main gate of the border. अभी हम लोगों ने चेक इन तो कर लिया है बिलाल, अभी हम लोग रिसेप्शन एरिया में बैठे हैं, ऊपर जाएंगे रूम देखेंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ पे जब रिसेप्शन में बैठा हुआ था, यू कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर। यहाँ पे टेबल में लकड़ी के ऊपर में क्राफ्ट करके ये कुछ डिज़ाइन है विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे हर होटल में जो यहाँ के राजा हैं उनकी फ़ोटो होती है, विच इज़ वेरी ट्रू। जैसे ही हम लोग एंट्री किए, एग्जैक्टली जो सामने रिसेप्शन है वहाँ पर उनकी पूरी फैमिली की फ़ोटो है, एंड देन ऑन दिस साइड पूरा एक जो फुल साइज फ़ोटो है वो है। सो देर इज़ अ रिस्पेक्ट एंड कंपल्सन, आई डोंट थिंक इट शुड बी एनी कंपल्सन, बट पीपल डू इट विद रिस्पेक्ट एंड टू ऑनर हिम, सो दैट इज़ अ गुड थिंग।